तो अभी ये महाराज मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था पर आधी बात ही इनके कैमरे में गई और कैमरा बोला फुल, अब हमें जगह ही नहीं है। मैंने कहा ले लो, ये कैमरा नहीं तुम्हारा खोपड़ा है। आधी बात मेरी जाती है अंदर और आधी बात जाती नहीं है कि बोलते हो फुल, बहुत छोटा है तुम्हारा खोपड़ा। बोले नहीं छोटा नहीं, 128 GB का है। मैंने कहा होगा 128 GB का, भर तो तुमने उसे फालतू चीज़ों से रखा है ना, तो मेरी बात के लिए जगह कहाँ है। आदमी का मन भी ऐसा है, विस्तार उसका अनंत है, बहुत कुछ उसमें बैठ सकता है। कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो परम है, जो अनंत है, वो तक तुम्हारे मन में उतर सकता है। तो सोचो मन भी फिर संभावना रूप में अनंत ही हुआ ना। अगर एक बिंदु मुक्ति का ऐसा आता है जब सत्य ही ब्रह्म ही मन में उतर जाता है, तो मन में फिर जगह बहुत होगी, तभी तो मन में ब्रह्म उतर आता है। लेकिन नहीं, जैसे ब्रह्म अनंत होता है वैसी माया अनंत होती है, माया माने कचरा, माने कचरा भी अनंत होता है। उस अनंत कचरे से मन को भर रखा है तो मन में जगह ही नहीं। तो मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो थोड़ा सा सुनते हैं और फिर क्या बोलते हैं, फुल फुल, जगह नहीं बची भाई। तो मैं बोलता ही रह जाता हूँ, मेरे बोलने में कोई कमी नहीं, पर जगह ही नहीं है उसको ग्रहण करने के लिए। देने वाला दे रहा है, ले पा नहीं रहे क्योंकि जगह हो गई फुल। और मेमोरी बहुत सारी थी, गई कहाँ, सबसे पूछ रहा हूँ, मेमोरी कहाँ गई तुम्हारी, चित्त को तुमने किन चीज़ों से भर लिया। कि जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हारे काम का हो सकता है उसके लिए तुम्हारे पास जगह ही नहीं बचती। तुमसे पूछो कोई ढंग की किताब पढ़ी, तुम बोलते हो समय नहीं है। तुमसे कहता हूँ आओ बात करो, सामने बैठो मिलो, तुम कहते हो तुम्हारे पास समय नहीं है। तुमसे पूछता हूँ फलानी जगह गए, फलानी बात परखी, तुम कहते हो नहीं किया। मैं कहता हूँ उम्र तो हो गई तुम्हारी 40 साल की, अभी तक किया क्यों नहीं, कहाँ गया तुम्हारा सारा समय। तुम बोलते हो फुल। मैं पूछता हूँ किस चीज़ से, तो मुँह लटका लेते हो, दांत निपोरने लगते हो, खीखी करने लगते हो, वास्तव में लजा जाते हो। लजा इसलिए जाते हो क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी को भर रखा है कचरे से। जब कचरे से भर लोगे ज़िंदगी को तो सज़ा ये मिलेगी कि जो वाकई हकदार है तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद होने का, उसके सामने लज्जित होकर बार बार बोलते रहोगे फुल। हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए जगह है, तुम्हारे पास नहीं है। और यही नहीं, फिर जब कहा जाएगा कि अरे बाबा डिलीट कर लो, खुद ही कहोगे कि कचरा भरा हुआ है, लजा रहे हैं, क्या बताएं, तो कहा जाएगा डिलीट कर लो, तो डिलीट भी नहीं करोगे। क्यों? वो फलानी जगह गए थे, यारा दी गल मौज, कैसे डिलीट कर दें, मोह के धागे हैं। रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ दिया था और 6 घंटे तक शराब में डूबी जो बातें होती रही उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती रही। ऐसा टुन हो गए कि रिकॉर्डर बंद करना ही भूल गए, तो वो 6 घंटे का 50 GB भरा हुआ है पर अब उसको डिलीट नहीं कर पा रहे। क्यों? अरे बड़ी प्यारी प्यारी बातें थी। क्या प्यारी बातें थी? अरे वो फलाने ने उल्टी मारी थी, फलाने ने फलाने को झापड़ मार दिया था टुन होके, फलाना नशे में आकर के रोने लग गया था, हाय हाय करने लग गया था, फलाना बताने लग गया था कि उसकी ज़िंदगी नर्क कैसे है। मैं बता रहा हूँ जी, बड़ी सेंटी बड़ी इमोशनल बातें हुई थी, उन इमोशंस की कदर करनी पड़ती ना, उनको डिलीट कैसे कर दूँ। मत कर कचरा डिलीट, कचरा रखे रहे और मुझे बोल फुल। देखो तो सही कि तुम्हारा मन किन चीज़ों से भरा हुआ है, उन चीज़ों की वाकई हैसियत है तुम्हारे मन में मौजूद रहने की। निष्पक्ष भाव से पूछो, अपने ही भले, अपने ही स्वार्थ की खातिर अपने आप से ईमानदार सवाल करो, जिन चीज़ों से तुमने मन को जीवन को भर रखा है, स्मृति को भर रखा है, वो चीज़ें वाकई क्या तुम्हारी ज़िंदगी में होनी चाहिए? डिलीट, खाली करो। मेरे ख्याल से रूमी साहब
बड़ा बेहतरीन कलाम है जिसमें बोलते हैं खाली करो खाली करो, है ही यही, खाली करो खाली करो, मन के लिए ही है, जिंदगी के लिए ही है, खाली करो। और उससे ये नहीं मतलब है कि जिंदगी बंजर हो जाए और सब सुनसान हो जाए, उससे मतलब ये है कि अरे थोड़ा होश रखो, थोड़ी अकल बताओ, देखो तो सही क्या मौजूद होना चाहिए जिंदगी में और क्या नहीं। यहाँ जिंदगी को सूना करने के लिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ ये कहा जा रहा है कि घर को कीचड़ से और बदबू से मत भर लो। नहीं कहा जा रहा कि घर बिल्कुल खाली रहे, घर में वो रखो ना जो घर में होना चाहिए, घर में वो आ सके जो घर में होना चाहिए, इसके लिए कचरा साफ करना पड़ेगा। क्यों जी साहब, वरना फुल